हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स कुकिंग और मैं हूं आपका दोस्त विनीत कुमार। तो आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आसान तरीके से लड्डू कैसे रेडी करें मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं बात करता हूं सबसे पहले कि मैं यहां पर क्या क्या यूज़ कर रहा हूं। तो मैंने 1 किलो के अलावा गेहूँ का आटा लिया है और 0.5 किलो मैं खांड यूज़ कर रहा हूँ। उसमें लगभग 100 ग्राम के लगभग नारियल, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और 100 ग्राम बिल्कुल बारीक वाला गोंद यूज करूँगा मैं। 50 ग्राम के लगभग मैं चिरौंजी यूज करूँगा और 100 ग्राम मगज मतलब खरबूजे के बीज, 100 ग्राम किशमिश, थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसमें लगभग 0.5 केजी के लगभग मैं देसी घी यूज करूँगा। तो लड्डू बनाने के लिए हमें सभी चीज़ों को फ्राई करना पड़ता है, तो देसी घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो 1 चम्मच के लगभग देसी घी हम कढ़ाई में ऐड करेंगे और घी को हम गरम करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने मगज फ्राई करेंगे। मगज में आप चाहें तो और भी टाइप के मगज यूज़ कर सकते हैं, तो बाज़ार में 2-3 टाइप के मगज आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ खरबूजे के बीज यूज़ कर रहा हूँ। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद ये इस तरीके से हो जाता है, फूल जाता है। ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, तो एक बड़े से बर्तन में हम इनको निकाल के इकट्ठा कर लेते हैं। तो कढ़ाई को हम दोबारा गैस पर चढ़ा देंगे और अपना जो नारियल हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था उसको हम फ्राई करने वाले हैं। नारियल को ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, नारियल को बस थोड़ा सा फ्राई करना होता है, हल्का सा फ्राई करेंगे इसको हम। यदि आप नारियल कद्दूकस नहीं करना चाह रहे तो नारियल पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो नारियल को लगभग 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे और नारियल को भी अपने हम बर्तन में डाल लेते हैं। कढ़ाई को हम दोबारा गैस पर चढ़ाएंगे और 1 चम्मच के अलावा देसी घी ऐड करेंगे। बेसिकली हमें सारे ड्राई फ्रूट्स धीरे धीरे करके फ्राई करने हैं। घी हमारा गर्म हो गया, अब यहाँ पर मैं चिरौंजी फ्राई करने जा रहा हूँ। चिरौंजी को लड्डू में डालने से ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। चिरौंजी आप खीर में डालते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है उसमें। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि चिरौंजी आप लड्डू में ज़रूर यूज़ करें। तो चिरौंजी को भी हम हल्का से फ्राई करेंगे। और इसके बाद कढ़ाई को हम दोबारा गैस पर चढ़ाएंगे और कढ़ाई में फिर से देसी घी ऐड करेंगे। तो अब अपनी हम किशमिश फ्राई करेंगे। किशमिश को हम जैसे ही फ्राई करते हैं किशमिश हमारी फूलना स्टार्ट कर देती है, थोड़ी सी फूल जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि किशमिश को हमें सिर्फ फुलाना है, जलाना नहीं है। तो किशमिश को ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकेंड ही फ्राई करना होता है। तो आप देख सकते हैं किशमिश हमारी फूल गई है। तो किशमिश को भी निकाल के हम अपने बर्तन में रख लेते हैं। घी हमारा फिर से गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं अपना गोंद। तो यहाँ पर मैंने बारीक गोंद लिया है, आपके पास यदि बड़ा गोंद है तो आप बड़ा गोंद भी यूज कर सकते हैं, उसको बाद में कूट के बारीक कर सकते हैं। ये तो बारीक गोंद मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और गोंद को आप जैसे ही फ्राई करना स्टार्ट करते हैं तो गोंद आप देख सकते हैं फूलना स्टार्ट कर देता है और थोड़ा सा गोंद की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ध्यान रखना कि गोंद को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गोंद को भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर से कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और अब हम लगभग 4 से 5 चम्मच के लगभग देसी घी ऐड करेंगे। लगभग 100 ग्राम देसी घी ऐड करेंगे क्योंकि अब हम अपना आटा फ्राई करने वाले हैं।
आप देसी घी की क्वांटिटी जितनी अच्छी रखेंगे आटा उतनी ही जल्दी फ्राई हो जाएगा आपका। घी को हम गर्म करेंगे और अपना आटा घी में ऐड करेंगे। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे वरना हमारा आटा जब हम ऐड करते हैं तो आटा जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आटा फ्राई करते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो गैस को लो रखना है और आटे को लगातार चलाते रहना है। तो आटा हमारा जो फ्राई होगा लगभग वो 5 से 6 मिनट में फ्राई होगा। आटे को तेज गैस पे फ्राई ना करें वरना हमारा आटा नीचे लग जाएगा। तो आटे को हमें लगातार चलाते हुए धीरे धीरे फ्राई करना है। तो लगभग 5 से 6 मिनट में हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। आटे को भी अपने में ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी और आटे की क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो अभी क्या करना है कि आटे को हमें लगभग 5 से 6 मिनट तक ठंडा करना है। और आटा हमारा ठंडा हो गया है तो अब यहाँ पर मैं इसमें इसको मीठा करने के लिए खांड यूज कर रहा हूँ। आप बूरा यूज कर सकते हैं, आप शक्कर यूज कर सकते हैं, लड्डू को मीठा करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप चीनी पीस के उसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें। और अपने सारे ड्राई फ्रूट्स आटा बूरा सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और हमारा भी जो पाउडर है वो आप देख सकते हैं कि मतलब उसके तो लड्डू नहीं बना सकता क्योंकि ये काफ़ी बिखर रहा है। तो यहाँ पर हमें लगभग 100 ग्राम 200 ग्राम के लगभग देसी घी और चाहिए लड्डू बनाने के लिए। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, यदि आपको लड्डू में देसी घी की क्वांटिटी कम रखनी है तो आप यहाँ पर पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और लड्डू को बहुत ही स्वादिष्ट बनाना है तो आप देसी घी सजेस्ट करूँगा आपको कि देसी घी यूज़ करना है। और देसी घी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देसी घी की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपको चेक कर लेना है कि आपके लड्डू बनना स्टार्ट हो गए, बाइंड होने चाहिए लड्डू। तो चलिए फ्रेंड्स लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को थोड़ा ग्रीस करके अपने लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू बनाते बनाते मैं आपको सारी क्वांटिटियां क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आधा किलो खांड लिया, 1 किलो गेहूँ का आटा लिया, आधा किलो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और आधा किलो मैंने देसी घी लिया है। तो हमारे जो लड्डू की क्वांटिटी है वो लगभग 2.5 किलो के लगभग लड्डू बन के रेडी होने वाले हैं। और आटे के लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो, मेरा बनाने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।